करना क्या करना, पूरे इंडिया में एक ट्रेंड बहुत ज्यादा है, वो है विनोद। ये विनोद जब आया ना पृथ्वी पर कब्जा करके रखा है, कौन वायरस तक इसके इशारों से चल चलता है। कौन आया ये विनोद, कहाँ से आया ये कौन से हिमाचल प्रदेश से आया है, कोई आइडिया नहीं है। ये ज़ॉम्बी ये क्या है, हर एक यूट्यूबर के कमेंट्स में आपको ये दिखेगा ही दिखेगा। अगर कोई एक यूट्यूबर है ना जिसके कमेंट्स में ये नहीं है, भाई तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लो। तुम्हारे छाती में लिखा हुआ है तो तुम्हें कभी कोई कुछ नहीं कह सकता, तो तुम्हारे छाती में लिखा हुआ है। सबको बोल दो कि तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम से लकी तो मेरे ख्याल में नहीं आता कि तुम से लकी और कोई हो सकता है। नहीं, मैंने माना कि सबके कमेंट्स में ये है, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को तो छोड़ा होगा, भूत थोड़ी है वो जो किसी को नहीं छोड़ा है। जैसे ही ज़ॉम्बी मुझे मारे जा रहे हैं पकड़े जा रहे हैं, तो वो भी सबको पकड़े जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहा। और अगर छोड़ेगा भी तो कैसे छोड़ेगा, मेरे कमेंट्स में अभी तक ये वायरस नहीं फैला है, मेरे सिटी में अभी तक ये वायरस नहीं आया है। कब आ जाएगा, कब आ जाएगा, कोई आइडिया नहीं है। और स्ली पॉइंट ने कल एक वीडियो अपलोड किया है कि उन्होंने मैं कैसी हिंदी बोल रहा हूँ कि उनके ही चैनल से ये विनोद वाला वायरस फैल रहा है। उन्होंने एक वीडियो बनाया था एक महीने पहले और विनोद वाला, उनके चैनल से जब आया है तो उनके कमेंट्स में तो है। क्या बोलना चाह रहा हूँ, मुझे खुद आइडिया नहीं है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बस ये बोलना था कि ये विनोद ऐसा, गोली ख़त्म। मैं ऐसे खेलते खेलते रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। गोली कैसे ख़त्म हुई वे, चलो। तो मैं क्या कर रहा था कि विनोद को स्पैम कर दो अपने कमेंट से, ये बढ़िया होगा। विनोद को स्पैम कर दो, स्पैम मतलब पता है, जितने भी यूट्यूबर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, स्पैम कर दो विनोद को, मैं भी करने वाला हूँ, बस स्पैम कर दो। तो एक भी विनोद तुम्हारे चैनल पर आएगा ही नहीं। और ये विनोद वाले इंडिया फैक्ट्री है, छोड़ो। तो विनोद वाले ये कहाँ से शुरू हुआ है मैं तुम्हें बताता हूँ। इसकी रियल स्टोरी शुरू होती है स्ली पॉइंट से। अब हेटरेड नहीं है ये, मैं उनको हेट नहीं करता, उनके चैनल को मैं भी उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ, लेकिन यार छोड़ो उस बात को। मैं भी उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ, मैं भी उनके खिलाफ मैं कैसे हो रहा हूँ। इसके बाद सब कमेंट्स में मेरे बोलेंगे कि भाई तूने स्ली पॉइंट का बदनाम किया है। मुझे हिंदी उतनी आती नहीं है, मैं बंगाली हूँ, इसलिए तुम लोगों को गलत सुनाई दिया होगा। फिर मैं स्ली पॉइंट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं भी उनको सपोर्ट करता हूँ, मैं उनके चैनल के साथ हूँ। और वैसे सब्सक्राइब करे ना करे, बिना जाना मत, मैं कैसे नहीं छोड़ू। तो सब्सक्राइब करना मत, सब्सक्राइब मत करके जाना भूलिएगा, सॉरी सब्सक्राइब ना करके जाना मत भूल, सब्सक्राइब करके जाना ना भूलिएगा। हाँ अब ठीक है। तो यार थोड़ा सब्र रखो, ये कोरोना वायरस जैसे आया है वैसे चला जाएगा, और ये विनोद वायरस जैसे आया है ये विनोद वायरस भी वैसे ही चला जाएगा। और स्ली पॉइंट के कमेंट्स में जाके बोलो कि भाई कुछ तो करा। Thanks.